आज हम जानेंगे बिहार के एक ऐसे राजनेता के बारे में जिन्होंने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया और दलितों के बहुत बड़े मसीहा बनकर सामने आए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। देश की आजादी के बाद बहुत कम ही ऐसे नेता रहे जिन्होंने न केवल मंत्री के रूप में अकेले कई मंत्रालय में काम किया बल्कि उन विभागों में रहते हुए उन सभी चुनौतियों को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष रहे जगजीवन राम को मंत्री के रूप में भी विभाग मिला। उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता से अपना सफल संचालन किया। इसके बारे में कहा जाता है कि जो वह एक बार ठान लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। उनमें संघर्ष का जबरदस्त मादा था। चुनौती का सामना करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में अन्याय से कभी समझौता नहीं किया। वे हमेशा दलितों के सम्मान के लिए संघर्षरत रहे। बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार की उस धरती से हुआ था जिसका भारतीय इतिहास और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाबू जगजीवन राम का जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के भोजपुर जिले के चंदवा गांव में हुआ था। उन्हें जन्म से ही आदर से बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता था। उनके पिता का नाम शोभा राम था जो कि एक किसान थे जिन्होंने ब्रिटिश सेना में नौकरी भी की थी। जगजीवन राम की पढ़ाई के लिए वो कोलकाता गए थे। उन्होंने 1931 में स्नातक की डिग्री हासिल की। कोलकाता में ही रहते हुए उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए। जगजीवन राम ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में अपनी राजनीतिक कौशल और पारदर्शिता का परिचय दिया। यही वह वजह थी वह महात्मा गांधी के विश्वसनीय और प्रिय पात्र बने, राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। उन्होंने सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। बाबू जगजीवन राम सन 1936 में बिहार विधानसभा परिषद के रूप में नामित हुए। उसके बाद अगले ही साल बिहार विधानसभा के लिए भी चुन लिए गए। इसके बाद उन्हें संसदीय सचिव बना दिया गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक काम चलाऊ सरकार का गठन हुआ। इस सरकार में जगजीवन राम को शामिल किया गया। वे उस समय उस कैबिनेट में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे। उन्हें उस मंत्रिमंडल में श्रम मंत्रालय दिया गया। यहीं से बाबू जगजीवन राम का संघीय सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में सफर शुरू हुआ। इसके बाद बाबू जगजीवन राम 1952 से 1984 तक लगातार सांसद चुने गए। वह सबसे लंबे समय तक यानी कि लगभग 30 साल तक देश में केंद्रीय मंत्री बने रहे। वे सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में, उसके बाद इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और उसके बाद अंत में जनता पार्टी की सरकार में उप प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में रहे। मंत्रिमंडल में सबसे लंबे करियर के दौरान उन्होंने श्रम, कृषि, संचार, रेलवे और रक्षा मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में जिम्मा संभाला। उन्होंने श्रम मंत्रालय के रूप में मजदूरों की स्थिति में आवश्यक सुधार लाने और उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए विशिष्ट कानून के प्रावधान किए जो आज भी हमारे देश में श्रम नीति का मूलाधार है। बाबू जगजीवन राम को आज भी भारतीय समाज और राजनीति में दलित वर्ग के मसीहा के रूप में जाना जाता है। वे स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिन्होंने राजनीति के साथ ही दलित समाज के लिए नई दिशा प्रदान की। उन्होंने उन लाखों करोड़ों दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई जिसे एक खास जाति वर्ग के साथ चलने से मनाही की थी, जिनके खाने के बर्तन अलग थे, जिन्हें छूना पाप समझा जाता था और जो हमेशा दूसरों की दया के सहारे रहते थे। जब तक देश की राजनीति में सक्रिय रहे जगजीवन राम ने अपना सारा जीवन देश की सेवा और दलितों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उस महान राजनीतिज्ञ का 6 जुलाई 1986 को 78 साल की उम्र में निधन हो गया। आगे बिहार से जुड़े और भी नए हस्तियों के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।